हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे चिथरानम का मसाला, जो बना के आराम से स्टोर कर सकते हैं 20 से 25 डेज के लिए फ्रिज में। तो चलें बनाते हैं। 1 कप हरी मिर्च लेंगे और ये सब चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। तो ऐड कर लेंगे मिक्सर जार में। ग्रीन चिलीस अच्छे से पीस लेंगे। 1 कप कोकोनट पाउडर ऐड कर लेंगे। हल्दी ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून और अच्छे से मिक्सर में चला लेंगे इस तरीके से। अब ऑयल गरम कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 लीटर ऑयल। गरम करने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ चॉप की हुई, और रोस्टेड पीनट ऐड किया है मैंने 4 टेबल स्पून। तो ऐड कर लेंगे राई 2 टीस्पून और चना दाल ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। उड़द दाल ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। हैंडफुल करी लीव्स और रेड चिलीज तोड़ के ऐड कर लेंगे। अच्छे से इन सब को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि कोकोनट पाउडर के बाउल से मेजर करेंगे। तो 1/2 कप लिया है मैंने। अच्छे से भून लेंगे इन सब चीज़ों को गोल्डन कलर आने तक। तो देखें फ्रेंड्स, गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पे ऐड करेंगे जो हम पीस के रखे थे कोकोनट पाउडर और ग्रीन चिल्लीस हल्दी, तो वो ऐड कर लेंगे। फ्लेम लो कर दें और अच्छे से इसको 5 से 8 मिनट तक भूने। ख्याल रखें फ्लेम यहाँ पे लो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट बनाए रखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसको बना के स्टोर कर लें फ्रिज में। अगर छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, तो उन्हें बस राइस बनाएं और ए चिथरानम का मसाला मिक्स कर दें, बस लंच बॉक्स रेडी है। नमक ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून, मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। आप फ्लेम ऑफ कर दें। जो कोकोनट पाउडर मेजर किए थे कप, उसी कप से 1 कप लेमन जूस ऐड कर लेंगे यहाँ पे। ध्यान रखें कि फ्लेम ऑफ हो जाना चाहिए। लेमन जूस ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सारा धनिया पत्ता चॉप किया हुआ ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके बंद करके रख देंगे। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। राइस बनाएंगे और इसमें चिथरानम का मसाला मिक्स कर देंगे। तो रेडी है हमारा लेमन राइस। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ माह रमज़ान के रोज़े नसीब करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को कबूल करे और हमारी जायज़ दुआओं को कबूल करे। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।